मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा 10.2 एक्सरसाइज के सिक्स क्वेश्चन के कुछ पार्ट हो गए थे। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये कहता है 1 प्लस कोस एक्स का रूट अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स की पावर 5/2, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 प्लस कोस थीटा वाला फॉर्मूला रख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल बाई 2। प्लस में है तो यहाँ पर कोस का फॉर्मूला आता है, माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला आएगा। इसके ऊपर रूट है तो रूट लग जाएगा, इसकी पावर 5/2 है तो 5/2 आ जाएगा। तो इस रूट को अलग अलग करेंगे, 2 के ऊपर रूट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लेसन में बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 बच जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर भी 5/2, इसकी भी पावर, तो 2 की पावर 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा, इसकी पावर 5/2, तो 2 से बाई 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 5, एक्स बाई 2 बच जाएगा। अब नीचे पावर ज़्यादा है तो साइन एक्स बाई 2 को हम क्या मान लेंगे, टी, तो कोस एक्स बाई 2 डी एक्स आ जाएगा, 2 डी टी, ये बटे 2 था वो इस साइड में चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा डी टी, 2 डी टी अपोन में टी की पावर है 5 बन जाएगा। टी की पावर 5 के ऊपर ले जाकर इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये कॉन्स्टेंट सारा इकट्ठा कर लेंगे, 2 डी टी 2 और आएगा, डी टी बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका पाँचवा पार्ट, इसमें साइन और कोस का हाईएस्ट पावर 2 है, तो कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसकी भी पावर 2 होगी तो ये पावर 4 हो गई। अब तो पावर 2 होती तो कोस की पावर 2 से डिवाइड कर देते, पावर 4 है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस की पावर 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसको पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको पावर 4 से और इसको भी पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसके अपोन में पावर 4 ले लेंगे, तो 1 अपोन में कोस की पावर 4, सीकेंट की पावर 4, इसके अपोन में पावर 4, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो पावर 2 लेंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो पावर 4 ही हो गई है, 2 की पावर 2। अब ये अलग अलग हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस 10 बन जाएगा, ये आ जाएगा, सीकेंट की पावर 4 को सीकेंट की पावर 2 इंटू सीकेंट की पावर 2 लिख देंगे, ये आ गया। अब इसके अंदर ये इंटीग्रेशन आपने याद रखना पड़ेगा, बी टेन एक्स की जगह पे हम मान लेंगे ए टेन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बी एज इट इज 10x का सीकेंट स्क्वायर x, x का डी एक्स, ए एज इट इज 10 थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, b आ जाएगा डिवाइड में, a अपॉन में b, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, अब 10x जो सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ से 10x की वैल्यू निकालेंगे, ये a अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, तो 10x की ये वैल्यू आ गई। अब 10x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। तो देखिएगा, तो ऊपर सीकेंट की पावर 4 थी सीकेंट, तो एक सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी में डी थीटा में बन जाएगा, एक सीकेंट स्क्वायर एक्स बच जाएगा, उसकी ये वैल्यू निकाल लिया, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा एक सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ए अपॉन बी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक सीकेंट स्क्वायर एक्स बच जाएगा उसकी वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में बी स्क्वायर, वो बी स्क्वायर आ जाएगा बाहर। नीचे आपके पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस में बी 10x की जगह पे ए 10 थीटा रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, लेकिन स्क्वायर से बाहर जाएगा तो वो ए की पावर 4 बन जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 बाहर आने के बाद यहाँ ए स्क्वायर बाहर आने के बाद ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो पावर 4 आ जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लेसन कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लेसन कर देंगे, ए की पावर 4 आ जाएगा बाहर, तो इसका इसका मल्टीप्लेसन, इसका अलग अलग टर्म हो जाएंगे, अपोन में सीकेंट की पावर 4 कर देंगे दोनों के, तो सीकेंट की पावर 4 करेंगे तो नीचे सीकेंट यहाँ पर बच जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लेसन करने के बाद ये अलग अलग टर्म होगी, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अलग इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, लिमिट वही रह जाएगी आपके पास 0 से पाई बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने से पहले कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, अलग अलग टर्म हो जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करके आपका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में ये है, तो सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये है 0 से पाई बाई 2 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब डी एक्स।
अब एंगल में आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये इंटीग्रेशन होगा। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल मान लेंगे, एक्स क्यूब को टी मान लिया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, हमें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये थ्री आ जाएगा इस साइड में, वन बाई थ्री डी टी आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे t जीरो आ जाएगा, जब ये x की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी पावर तीन कर देंगे, इसकी पावर तीन कर देते हैं, t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, तो लिमिट आ जाएगा आपके पास जीरो से पाई बाई टू। तो देखिएगा ये हो गया साइन t, x की पावर पाँच है, इसको x की पावर दो में और x की पावर तीन में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो x की पावर जो थ्री है वो तो बन जाएगा t, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है वो आ जाएगा वन बाई थ्री डी टी। तो ये वन बाई थ्री बार है, टी साइन टी डी टी ये बच जाएगा। अब इसका आपने बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर देना है, ये फर्स्ट है एलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सेकंड फर्स्ट सेकंड हो गए, बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद एट क्वेश्चन देखिएगा, जीरो से पाई बाई टू ये है आपके पास। अब इसके अंदर भी टेन इनवर्स एक्स नहीं है तो इसको आपने टी मानना पड़ेगा, तो साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कोस एक्स इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसके लिए साइन टू एक्स का फॉर्मूला खोल देंगे। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होगा टू साइन एक्स कोस एक्स इंटू एज इट इज, दो आ जाएगा बार, यहाँ पर आपने साइन एक्स को टी मान लिया, कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा ये टू आ गया बार, साइन एक्स हो गया टी, कोस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, टेन इनवर्स टी ये फर्स्ट और ये सेकेंड मानकर आप अब आपने इसका बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर देना है, लिमिट जीरो से वन है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, जीरो से लेकर ए तक ये है, तो इस सारे को हम क्या मान लेंगे, साइन थीटा मान लेंगे, ताकि साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाए। इसको आपने साइन थीटा मान लिया, दोनों साइड में स्क्वेयर कर देंगे, इसका तो रूट हट जाएगा, साइन का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करेंगे, एक्स यहाँ पर भी है एक्स यहाँ पर भी है, इस वाई टर्म को इस साइड में ले जाएंगे, एक्स यहाँ से आ जाएगा कॉमन, एक्स कॉमन आने के बाद बच गया वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो कि हो गया कोस स्क्वेयर थीटा, तो एक्स कोस स्क्वेयर थीटा इसके इक्वल है तो कोस स्क्वेयर थीटा से डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए साइन स्क्वेयर अपॉन में कोस के टेन स्क्वेयर थीटा। जब ये एक्स की वैल्यू आ गई तो अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डी एक्स भी आ जाएगा, ए एज इट इज टेन स्क्वेयर का पहले पावर का होगा टू टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, थीटा का डी थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ से जब x की वैल्यू जीरो है तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो, और जब x की वैल्यू a है तो a से a कट जाएगा, वन इजिकल टू टेन स्क्वेयर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा तो ये है साइन इनवर्स और ये साइन थीटा, बच गया सिर्फ क्या dx, dx की वैल्यू क्या है 2a, 2a तो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, बचेगा टेन थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, साइन वर्स से साइन कैंसिल होकर ये बच जाएगा। अब इसका आपने बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है, ये फर्स्ट मानकर ये सार दोनों सेकंड मानना है, देखिएगा फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन याद रखना ये जेड ये डी जेड आ जाएगा, ये फंक्शन या एक फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, फंक्शन की पावर एन इंटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फंक्शन की पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सारे का टेन स्क्वेयर थीटा बाई टू, क्योंकि पावर इसकी क्या है वन है, वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, फंक्शन क्या है टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का डेरिवेटिव थीटा का एक, दूसरे का इंटीग्रेशन दूसरे का फिर यही है टेन स्क्वेयर थीटा बाई टू, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये टू बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया टेन स्क्वेयर थीटा। अब इस टेन स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन और करना है आपने, तो टेन स्क्वेयर थीटा की जगह पे रखेंगे सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और सीकेंड स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा टेन थीटा, माइनस में वन का इंटीग्रेशन बनेगा थीटा, लिमिट आपने अप्लाई कर देनी है जीरो से लेकर वन तक, आपके पास लिमिट अप्लाई हो जाएगी, सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है इजी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई।